वायु प्रदूषण रोकने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कदम उठाया है और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपनाएगा गोरखपुर मॉडल। इस वक्त की बड़ी खबर, वायु प्रदूषण रोकने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने उठाया कदम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपनाएगा गोरखपुर मॉडल। यूपी में 10 लाख से अधिक आबादी वाले जिलों में लागू होगा ये मॉडल। आगरा, प्रयागराज, अनपरा, बरेली, फिरोजाबाद में लागू होगा मॉडल। गुजरौला, गाजियाबाद, झांसी, कानपुर, खुर्जा, लखनऊ, मुरादाबाद, नोएडा, रायबरेली, वाराणसी, गोरखपुर और मेरठ में लागू होगी योजना। रामानुज लगातार हमारे साथ बने हुए। रामानुज, प्रदूषण को रोकने के लिए जिस गोरखपुर मॉडल की बात कही जा रही है, आखिर इस गोरखपुर मॉडल के अंतर्गत क्या कुछ आता है और इसको लागू करने के लिए इन तमाम शहरों में क्या कुछ तैयारियां की गई है? देखिए, उनका ये समझना होगा कि वायु प्रदूषण उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के लिए एक बड़ी समस्या है और इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित जब कोरोना का पीरियड था उसमें सब लोग प्रभावित हुए और उन लोगों को याद आया कि आखिर वायु प्रदूषण नहीं होता तो शायद ऑक्सीजन की जो कमी है वो भी उतना नहीं होती। प्लांटों के साथ साथ अगर बात की जाए तो जिस तरीके से जनरेशन करनी चाहिए उसको जनरेट नहीं कर पा रहे थे। और लेकिन अब जो है वर्तमान की अगर बात की जाए तो वर्तमान में कहीं ना कहीं इसकी व्यवस्थाएं जो गोरखपुर में की गई हैं, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जाए, किस तरीके से वन विभाग को और तेज़ी से वृक्षारोपण के लिए लगाया जाए, इसके साथ साथ जो है नगर निगम की व्यवस्थाएं जो सुदृढ़ की जाए, ये सारा मॉडल जो है गोरखपुर के अंदर लागू कर दिया गया है और उसको लेकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक पूरे जो 10 लाख से ऊपर की जो जनसंख्या वाले जिले जो मुख्यालय हैं उनको जो है इसमें जोड़ा जाएगा और इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा फायदा होगा क्योंकि वायु प्रदूषण से अगर देखा जाए तो लगातार जो है स्थिति खराब होती जा रही है, लोगों के लंग्स खराब होते जा रहे हैं और इसके चलते जो है लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वृक्षारोपण की बात कर रहे हैं और इसमें ही और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे PWD के अंदर सड़क की बात की जाए, चाहे PWD की बात की जाए, चाहे अन्य जो व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं जिस तरीके की, उनमें चाहे जो भी विभाग हुआ उसको सुचारू रूप से व्यवस्था करनी पड़ेगी, किस तरह पर्यावरण को संरक्षित रखा जाए और नए पेड़ पौधे जो है उनको लगाया जाए और PWD की खासा जिम्मेदारी हो जाएगी वन विभाग के साथ सिंचाई विभाग की भी कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर जैसे गोरखपुर के अंदर जो मॉडल बनाया गया है जिस तरीके से पेड़ पौधे लगाएंगे वो भी पूरे प्रदेश के अंदर इसको सुचारू रूप से चालू किया जाए और 10 लाख की आबादी वाले जो क्षेत्र हैं उनके अंदर ये लागू करके ताकि वहां पर जो है वायु प्रदूषण कम किया जा सके। जी मोनिका, बिल्कुल रामानु, सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हवा की जो गुणवत्ता है उसको सुधारा जाए, इसको लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जो मानक है वो क्या कुछ रहेंगे, किस तरीके से क्या कुछ गाइडलाइंस रहने वाली है आगे? देखिए, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है वो लगातार इस पर फोकस करे हुए है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो जनसंख्या की वृद्धि के हिसाब से, व्हीकलों की वृद्धि के हिसाब से जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसको कैसे रोका जा सके, उसमें किस तरीके से पेड़ पौधे और लगाए जा सके, जो खाली स्थान है या यूँ कहें कि जो PWD की सड़कें हैं, जो NH हैं और उसके साथ साथ जो वन विभाग की ज़मीनें खाली पड़ी हैं वहाँ पर कैसे जो है इसको व्यवस्था को लागू किया जा सके, इसको लेकर जो है ये शुरुआत की जा रही है और प्रदूषण बोर्ड इस पर खासा ध्यान रख रहा है। इतना ही नहीं, जो प्रदूषण फैलाने वाले भट्टे हैं, जो कल कारखाने हैं, उनके लिए भी गाइडलाइन तैयार की जा रही है ताकि उत्तर प्रदेश के अंदर इन शहरों की अगर बात की, शहरों के अंदर कितने उद्योग रह सकते हैं, किस क्षमता के जो प्रदूषण या किस क्षमता की जो गल जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो धुआं छोड़ रहे हैं उनको कितने रखा जाएगा, ये सारी व्यवस्थाएं मानक रखा जाएगा और इसके साथ साथ मीटर भी लगाना पड़ेगा ताकि उनसे जाना जा सके कि आखिर उससे कितनी जो है वायु प्रदूषण के अंदर कितना जो है वो कंपनी जो है प्रभावित कर रही है और किस तरीके से उस मीटर के अंदर जांचा जाएगा कि किस तरीके से कितना प्रदूषण, चाहे वो धुआं कितना छोड़ रही है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, मोनोऑक्साइड कितना है, सारी जो व्यवस्थाएं हैं एक मीटर लगा के कंपनियों के जो है चेक की जाएंगी ताकि उससे जो है उनको कम किया जा सके और उसको फिल्टर करने की जो नई कोशिश है उसको भी तैयार करने की बात की जा रही है ताकि जो पेड़ पौधे लगाए जाएं और पेड़ पौधे लगाने के बाद सुनिश्चित किया जाए कि वातावरण की जो प्रदूषण की वो है जो रेशियो है वो कम हो जाए। जी चलिए, शुक्रिया आपका रामानुज तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।